झांसी के समथर गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये कदम उसने रिंग सेरेमनी के कुछ दिन पहले उठाया। वहीं परिजनों का कहना है कि युवक मानसिक रूप से कमज़ोर था, इसलिए वह फांसी के फंदे पर झूल गया। मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। वहीं मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि समथर निवासी संतोष प्रजापति पुत्र गौरी शंकर मजदूरी करता था। 24 अगस्त की सुबह संतोष और उसकी मां गुड्डी देवी घर पर थे। बातचीत के बाद संतोष अपने कमरे में चला गया और फांसी के फंदे पर झूल गया। मां ने खिड़की से देखा तो बेटा लटका हुआ था। चिल्लाने पर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और संतोष को नीचे उतारा। तब उसकी सांसें चल रही थी। उसे समथर ले गए, वहां उसे झांसी मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों का कहना है कि संतोष मानसिक रूप से कमज़ोर था। 5 भाइयों में वह तीसरे नंबर का भाई था। वहीं पिता की मौत करीब 15 साल पहले हो चुकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।